हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभिक में। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक प्राइवेट कंपनी के जॉब के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी निकल रहा है। आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली चांस पा सकते हैं जॉब के लिए। तो दोस्तों, पूरा करते हो इस वीडियो को, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जिस कंपनी के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जेनपैक्ट की कंपनी के यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इस कंपनी के क्या क्या रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जिसके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे चला आया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फिनेंस अकाउंटिंग के लिए वैकेंसी निकला हुआ है कोलकाता इंडिया में। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के वैकेंसी निकला हुआ है कोलकाता में। सीनियर मैनेजर के लिए भी वैकेंसी निकला है कोलकाता इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी के जॉब लोकेशन आपको हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी के ब्रांच है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि इस कंपनी के जॉब करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों का भी बताऊँगा कि अप्लाई करने के तरीका क्या है। अगर आप इस पोस्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको चलाया गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी दिया जाएगा, जिस लॉगिन आईडी को आप लेके यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका डिटेल, जैसे कि आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के कुछ ही दिन के बाद अगर आपका रिज्यूम या आपका सीवी सॉलिस्ट होता है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग जेनपैक्ट के जो जो अदर्स पोस्ट निकल रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए आप सेम तरीका फॉलो करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे एक अदर कंपनी के जॉब के बारे लेके। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।